चलो जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में 2010 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है देखो एक बार, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, आपको थीटा की वैल्यूज निकालनी है और थीटा माइनस पा बाय टू से पा बाय टू के बीच में लाई कर रहा है। एक इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन ये दी है, ठीक है। आपको करना क्या, देखो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी वो ले लो। मतलब बीच में एंड है ना, एंड नहीं है सॉरी, अगर आपके पास कभी भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाए दोनों के लिए आ जाए, तो आप इसको अलग से सॉल्व करो और इसको अलग से सॉल्व करो और जो दोनों के कॉमन आंसर होंगे वही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दोनों की कॉमन वैल्यूज निकालनी है और वही आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कैसे करेंगे, देखो पहली इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन में दिया tan थीटा इक्वल टू cot 5 थीटा, ठीक है। तो आप क्या करो, tan को चेंज करो, tan को लिखो sin by cos और cot को लिखो cos by sin, है ना, किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, साइन फाइव थीटा साइन थीटा कॉस फाइव थीटा कॉस थीटा। इस पूरी टर्म को इस तरफ लाओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस फाइव थीटा कॉस थीटा माइनस साइन फाइव थीटा साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन चुका है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका बनता है कॉस ए प्लस बी के बराबर। तो ये आपका बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब फाइव थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू सिक्स थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस सिक्स थीटा, कॉस सिक्स थीटा आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, ग्राफ तो हमें आता ही है बनाना। तो ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से, आपके पास थीटा, आपके पास थीटा कहां से लेकर कहां तक है, आपके पास थीटा माइनस पा बाय टू से पा बाय टू तक। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिक्स थीटा। तो सिक्स थीटा कहां से लेकर कहां तक होगा, सिक्स से मल्टीप्लाई करो, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे थ्री रह जाएगा और इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे थ्री पाई होगा। तो आप कॉस का ग्राफ बनाओ माइनस थ्री पाई से थ्री पाई तक, आप कॉस का ग्राफ बनाओ माइनस थ्री पाई से थ्री पाई तक। देखो हम इसका ग्राफ बनाएंगे माइनस थ्री पाई से थ्री पाई तक, तो देखो ये आपका, ये आपका पाई हो गया, ये आपका टू पाई हो गया और ये आपका थ्री पाई हो गया। सेम इधर भी आप ऐसा बना दो, ये आपका माइनस पाई, ये आपका माइनस टू पाई, ये आपका माइनस टू पाई और ये आपका माइनस थ्री पाई, ठीक है। ये ग्राफ किसका बना, कॉस सिक्स थीटा का। अब आप देखो यहां पे कॉस जीरो कब कब हो रहा है, कॉस आपका जीरो कब कब हो रहा है, देखो एक तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका पा बाय टू होता है, एक ये पॉइंट हो जाएगा थ्री पा बाय टू, एक ये पॉइंट हो जाएगा फाइव पा बाय टू और एक ये पॉइंट हो जाएगा सेवन पा बाय टू, है ना। और इसी तरह एक ये पॉइंट हो जाएगा माइनस पा बाय टू, एक सेकेंड पा बाय टू थ्री पा बाय टू फाइव पा बाय टू सेवन पा बाय टू, इधर भी फिर माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई पाई टू पाई, यहाँ पे हम आगे बढ़ गए, यहाँ थ्री पाई था सॉरी, यहाँ ठीक करना थ्री पाई आपका यहाँ था, ठीक है यहाँ तक ही आएगा। ये माइनस पा बाय टू, ये आपका माइनस थ्री पा बाय टू और ये आपका माइनस फाइव पा बाय टू,
तो आपके पास थीटा की वैल्यूज देखो क्या आई, 6 थीटा आपका किसके बराबर आया, देखो पहली वैल्यू आई पाई बाय 2, नेक्स्ट आई 3 पाई बाय 2, नेक्स्ट आई 5 पाई बाय 2, और फिर यहां पर देखो माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, और माइनस 5 पाई बाय 2। तो यहां से 6 से डिवाइड कर दो सबको, 6 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा पाई बाय 12, इसको 6 से डिवाइड करो, देखो 3 पाई बाय 12, 3 पाई बाय 12 कितना होता है पाई बाय 4, 3 पाई बाय 12 पाई बाय 4 हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करो 5 पाई बाय 12, इसको 6 से डिवाइड करो माइनस पाई बाय 12, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 पाई बाय 4 हो जाएगी, 3 पाई बाय 4 नहीं, एक सेकेंड, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 4 होगी, है ना, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 पाई बाय 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह अब आपने दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है और फिर देखना दोनों में कॉमन वैल्यू क्या होगी। अब इसको सॉल्व करो, दूसरी इक्वेशन दी है साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, क्या दिया हुआ है साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इन टर्म्स को यहां लो, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, फैक्टराइज करने पे ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस 1, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, इन दोनों में 2 साइन 2 थीटा कॉमन, यहां बचेगा साइन 2 थीटा प्लस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, यहां बचेगा साइन 2 थीटा प्लस 1, तो दोनों में से देखो वैल्यूज आ जाएंगी, साइन 2 थीटा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और यहां से बचेगा 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो साइन 2 थीटा की वैल्यूज दो आएंगी, एक आएगी माइनस 1 और एक आएगी 1 बाय 2, है ना। अब देखो ध्यान से, अब आगे क्या करेंगे, हमारा थीटा देखो कहां से लेकर कहां तक है, थीटा हमारा दिया हुआ है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 थीटा, 2 थीटा, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस पाई से पाई हो जाएगा, है ना, माइनस पाई से पाई। अब इसका ग्राफ बनाओ, देखो अब हम करेंगे क्या, हम ना इसका ग्राफ बना, पहले इसकी बात करते हैं, हम ग्राफ बनाएंगे इसका y इक्वल टू साइन 2 थीटा का और फिर हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 1 बाय 2 का, और जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, हमें ग्राफ देखो माइनस पाई से पाई तक बनाना है, कहां तक बनाना है, माइनस पाई से पाई तक, ठीक है, तो बनाओ माइनस पाई से पाई तक, ये पाई हो गया, ये जीरो से पाई हो गया और ये माइनस जीरो से माइनस पाई हो गया, अब ये होता है वन और ये होता है माइनस वन, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपने ग्राफ किसका बनाया, ये आपने ग्राफ बनाया साइन टू थीटा का,
वाई इक्वल टू साइन टू थीटा का। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, वाई इक्वल टू वन बाई टू का। तो वाई का वन बाई टू, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो वाई का वन बाई टू कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर कहीं पर होगा, जीरो और वन के बीच में। वाई का वन बाई टू यहाँ पर होगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दो। तो ये देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और दो, है ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, देखो हम बात कर रहे हैं टू थीटा की, तो टू थीटा लिखना। अब देखो साइन वन बाई टू कब होता है, साइन वन बाई टू होता है पाँच बाई सिक्स पे। ये जो पॉइंट है ये पाँच बाई सिक्स है, और फिर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। ये कब होगा, ये पाई से कम है, है ना, पाई से कम मतलब पाई माइनस, पाई से कम मतलब पाई माइनस पाँच बाई सिक्स। अब इसको टू को यहाँ ले आओ, तो थीटा हो जाएगा पाँच बाई ट्वेल्व, और इसको सॉल्व कर लो ये कितना हो जाएगा, फाइव पाँच बाई सिक्स, टू को डिवाइड कर दो, फाइव पाँच बाई ट्वेल्व। अच्छा अब ये हमने इसका बनाया, अब आप बनाओ साइन टू थीटा इक्वल टू माइनस वन। तो वाई का माइनस वन देखो कहाँ पर है, अब ध्यान से देखना, वाई का माइनस वन ये है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लो, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये देखो ये बन गया आपका वाई इक्वल टू माइनस वन, और ये इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पर। और ये जो पॉइंट होता है ये माइनस पाई बाई टू होता है ना। साइन टू थीटा माइनस वन कब होता है, माइनस पाई बाई टू पे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो साइन थीटा ये कब है, माइनस पाई बाई टू पे, तो थीटा कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर। अब आपको देखनी है दोनों में कॉमन वैल्यूज, आपको देखनी है दोनों में कॉमन वैल्यूज। देखो पाई बाय ट्वेल्व इसमें कितनी वैल्यूज आई, पाई बाय ट्वेल्व, फाइव पाई बाय ट्वेल्व माइनस पाई बाय फोर। इसमें देखो कितनी वैल्यूज आई, एक दो और तीन, ये तीन वैल्यूज आई। और देखो देखो पहली कौन सी है, पाई बाय ट्वेल्व, तो क्या पाई बाय ट्वेल्व यहां पर है, ये देखो पाई बाय ट्वेल्व है इसमें। दूसरी देखो क्या फाइव पाई बाय ट्वेल्व है इसमें, बिल्कुल है, फाइव पाई बाय ट्वेल्व भी है इसमें। तीसरी देखो माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर भी इसमें है। तो कितनी वैल्यूज कॉमन है, एक दो तीन, तो हमारा आंसर तीन आना था। आपको कितना आंसर लिख के आना था, आपको आंसर थ्री लिख के